काका बारामती वाले आचार्य श्री की पूजा कर रहे हैं। ये भाईचंद भाई भाषण दे रहे हैं। ये हीरक महोत्सव का फंक्शन है। ये लालचंद हीराचंद जी भाषण दे रहे हैं। ये सर सेठ भागचंद जी सोनी अजमेर वाले भाषण दे रहे हैं। आचार्य प्रसादी लाल पाटनी महासभा के मंत्री थे उस समय। ये श्री जी विराजमान है जिनकी पंचामृत अभिषेक की तैयारी। या नेमी सागर जी महाराज है, ये सुल्लक जी महाराज है, ये पंचामृत अभिषेक भगवान का हो रहा है। आचार्य संत सागर महाराज विराजे हुए हैं। ये भगवान का पंचामृत, ये पद्मावती माता का अभिषेक हो रहा है। आचार्य महाराज अभिषेक देख रहे हैं। ये आचार्य महाराज की आरती उतार रहे हैं। ये आचार्य महाराज की अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं। ये स्त्री वर्ग उस मास सभा ने जो हीरक महोत्सव किया था उसमें बैठे हुए हैं। ये हीरक महोत्सव आचार्य महाराज की जन्म जयंती के निमित्त से हुआ था। इसके बाद आचार्य संसागर महाराज कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में पधारे हैं। ये वो जगह है जहां पे आचार्य संसागर महाराज ने संलेखना यम संलेखना ली थी। ये आचार्य संसागर महाराज है, उसके बाजू में मैं हूं कांतिलाल। ये आचार्य महाराज पधार रहे हैं। ये सारा कुंथलगिरी क्षेत्र है। आचार्य श्री हर जगह हर मंदिर के दर्शन करने पधार रहे हैं। साथ में जिनसेन जी भट्टारक जी नानी वाले हैं। एक बाजू मैं हूं, ये चंदू काका आचार्य महाराज को शुद्धि करा रहे हैं। ये आचार्य महाराज की यम संलेखना शुरू हो गई। ये भगवान आचार्य महाराज पंचामृत अभिषेक कुंतलगिरी कुलभूषण देशभूषण भगवान का देख रहे हैं। ये चंदू काका है, ये हीरा काका है, ये बारामती के माने हुए लोग हैं। ये भगवान का पंचामृत अभिषेक हो रहा है। स्त्रियां और पुरुष दोनों आचार्य पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। ये दूसरे त्यागी गण हैं। यहाँ पे आचार्य संसागर महाराज विराजे हुए हैं और वो पंचामृत अभिषेक देख रहे हैं। बाजू में भट्टारक जी महाराज है, लक्ष्मी सेन जी, ये पंचामृत अभिषेक हो रहा है। आचार्य श्री ये मोतीलाल जी संगपति है। आचार्य श्री लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर पधार रहे हैं। ये आचार्य श्री विराजमान हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं। उस समय कुंथलगिरी पे रोज 10,000 यात्री रोज दर्शन के लिए आचार्य श्री के दर्शन के लिए आते थे और लगभग वहाँ 25,000 से 30,000 लोग ठहरे हुए थे। ये लोग सब दर्शन कर रहे हैं आचार्य श्री का। ये कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पे पहाड़ पे ये आचार्य श्री दर्शन के लिए लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर पधार रहे हैं। ये लक्ष्मी सेन जी भट्टारक है, ये जिनसेन जी भट्टारक है, ये नानी वाले जिनसेन जी है, ये लक्ष्मी सेन जी, ये पंडित जी उपदेश दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।
ये आचार्य महाराज शांत मुद्रा में विराजमान है। ये आचार्य सांसागर महाराज को कुंथलगिरी में बाहुबली भगवान की खड़ी होने वाली प्रतिमा का फोटो दिखा रहे हैं। भट्टारक जी नंदनी वाले भट्टारक जी आचार्य श्री को कुछ कह रहे हैं। ये जन समुदाय दिख रहा है जो आचार्य श्री के दर्शन के लिए वहां आया हुआ। ये जो सुल्लक जी है, ये सुल्लक जी अब ये आचार्य श्री पधार रहे हैं। ये सब लोग आचार्य श्री की, आचार्य सांसागर महाराज की पूजा कर रहे हैं। स्त्रियां पूजा कर रही हैं अष्ट द्रव्य से। ये 22/8/55 को धवल जय धवल शास्त्र जो ताम्र पे किए हैं उन ट्रस्टियों को आचार्य श्री के सानिध्य में आशीर्वाद दिया जा रहा है। उसकी यह सभा है। यह आचार्य श्री विराजमान है और यह जन समुदाय है। इसका यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। ये आचार्य सांसागर महाराज और ये 20वें उपवास की फिल्म है। ये पंडित जी तनसुखलाल जी काला है जो ये दूसरे पंडित जी हैं जो ये कर रहे हैं। ये चंचला बहन अंधेरी वाले हैं, बम्बई अंधेरी में रहते हैं। किसी को मान पत्र दिया जा रहा था उसका यह फंक्शन है। ये लक्ष्मी सेन जी भट्टारक कोल्हापुर वाले हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। ये आचार्य सांसागर महाराज शांत मुद्रा में विराजमान है। ये मान भाई फल्टन वाले हैं, ये बालचंद देवचंद कोल्हापुर के हैं। ये उस समय कुंथलगिरी के ट्रस्टी थे। ये आचार्य महाराज के हीरक महोत्सव के निमित्त अलग अलग जात के लोग भाषण दे रहे हैं। आचार्य महाराज शांत मुद्रा में विराजमान है। ये जनता आचार्य श्री के दर्शन कर रही है। ये सब माता जी है। ये आचार्य महाराज ने अंतिम जल ग्रहण लिया किया उसका दृश्य है। ये आचार्य महाराज जल ग्रहण करने के लिए, शुद्धि के लिए पधार रहे हैं। ये आचार्य सांसागर महाराज अंतिम बार जो जल लिया और फिर यम संलेखना शुरू की उसके पहले शुद्धि कर रहे हैं। ये आचार्य महाराज को पड़गा रहे हैं। ये नवदा भक्ति कर रहे हैं। ये आचार्य महाराज जल रहे हैं। सामने मोतीलाल जी संगपति है और ये आचार्य महाराज अंतिम जल ग्रहण कर रहे हैं। बाजू में गेनमल जी है। ये अंतिम जल ले लिया। अब आचार्य महाराज
पधार रहे हैं और ये